कटिंग करके डालना चाहिए। हाँ, ये बाथरूम का ही पाइप गया है ना डायरेक्टली? हाँ, बाथरूम का। और एक कब से बाहर आई है? कल से बाहर आए। रुका इधर। और एक कल कितना बजे से, मतलब बोला ये कितना बजे टूटा, इसके बारे में बताओ उनको। तो कंप्लेन डाल रहे हैं अभी। कल 11 बजे से पानी बह रहा है। कल 11 बजे से, और कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा मतलब? और ये नल बाथरूम में गया हुआ है? बाथरूम। और बाथरूम में पहले पानी आ रहा था क्या इसके, जिसके जाने के बाद? नहीं आ रहा। उधर भी नहीं, सब तोड़म ताड़ी उधर भी चालू है। हाँ। मतलब कोई देख रेख नहीं है इसका? नहीं नहीं। और ये कंडीशन है, ये पाइप जो टूटा हुआ है, हजारों लीटर जो है पानी जो है कंटिन्यू बह रहा है। और ये सवाल नहीं है 10-15 रुपए के चीजों से बन जाएगा, लेकिन यह है कि इसको बनाया गया तो सीमेंट तक नहीं डाला गया, इसको पैकिंग तक नहीं किया गया है, ऐसे खोल दिया गया है। प्लास्टिक का जो पाइप है तो टूटेगा ही, सिर्फ जो है टेम्प्रेरी बेसिस, सरकार के पैसे को सिर्फ जो है अनावश्यक जो बर्बाद किया जा रहा है। अगर यह जो है किसी पर्सनल व्यक्ति के घर पे कनेक्शन जाता तो यह जो है सीमेंट लगाया हुआ होता, लेकिन यह सीमेंट ना लगा के डायरेक्ट ऐसे ओपनली छोड़ दिया तो टूटेगा ही, क्योंकि यहाँ से सीधा जो है रास्ता आता है। यहाँ से देखिए कंटिन्यू लोग जाते हैं, ये सीधा रास्ता आता है, किसी का भी पैर पड़ेगा तो टूटेगा ही टूटेगा। यह ना बुद्धि दिमाग लगाया ही नहीं गया, सिर्फ काम करके चला चल गया वो लोग, जिसकी वजह से ये परेशानी हुई है। पाइप का पानी जो है कंटिन्यू जो हजारों लीटर पानी जो है 24 घंटे से बह रहा है, और इसको जो है जल्द से जल्द बनाए। और यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के लोगों का कुछ भी कार्य, यहाँ के लोगों को उसकी बेनिफिट नहीं मिल पा रही है, और इसको सीरियसली लें। अगर कोई आ रहे हैं से तो कटिंग करके दो सिस्टम लगा चाहिए तो माल डालना एक गोली सीमेंट डाले, दो गोली सीमेंट डाल के उसके नीचे दबा दे तो टिकेगा। कितना पब्लिक इस रास्ते से आता है जाता है वो कितना दिन टिकेगा उधर में? बहुत आदमी